राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने शुक्रवार को एक जनसभा में एक ऐसा बयान दिया था जिससे सभी चौंक गए। उन्होंने कहा था कि मुझे लग रहा है कि अब मैं रिटायर हो सकती हूँ। ये बयान देकर राजे ने राजनीति छोड़ने का संकेत देकर सभी को अचंभित कर दिया। दरअसल वसुंधरा राजे ने कहा कि बेटे और सांसद दुष्यंत सिंह का भाषण सुनने के बाद उन्हें लगता है कि वह रिटायर हो सकती है। राजे ने कहा कि अब मुझे लग रहा है कि मैं रिटायर हो सकती हूँ। लोगों ने बेटे दुष्यंत को सही प्रशिक्षण व स्नेह दिया है और उन्हें सही रास्ते पर रखा है। ऐसे में अब उन्हें बेटे दुष्यंत के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। राजे के इस बयान से सियासी गलियारों में अलग अलग मायने निकाले जा रहे थे। वहीं हर किसी के मन में ये सवाल था कि क्या वसुंधरा राजे राजनीति से संन्यास ले रही है। इससे अटकलें लगने लगी थी कि वह 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। लेकिन अब इन सभी सवालों का जवाब वसुंधरा राजे ने दे दिया है। वसुंधरा राजे ने दो टूक कहा कि वो कहीं नहीं जा रही। झालावाड़ की झालरापाटन विधानसभा सीट से उन्होंने शनिवार को अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान राजनीति से संन्यास की अटकलों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं कहीं नहीं जा रही। चार बार के विधायक वसुंधरा राजे ने जब झालरापाटन से बीजेपी उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया तो उनके साथ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, बेटे दुष्यंत सिंह और पार्टी के अन्य नेता मौजूद थे। नामांकन दाखिल करने के बाद वसुंधरा राजे ने कहा कि झालावाड़ हमारे परिवार की तरह है। परिवार में हम बहुत सी ऐसी बातें साझा करते हैं जिनका कोई राजनीतिक मतलब नहीं होता। वसुंधरा ने कहा कि अगर मैंने राजनीति से संन्यास के बारे में कहा तो ऐसा इसलिए था क्योंकि अपने बेटे दुष्यंत का भाषण सुनने और सभी की प्रक्रिया देखने के बाद एक माँ के रूप में बहुत खुशी हुई थी। उन्होंने कहा कि मैं आप सभी को यह स्पष्ट करना चाहती हूँ कि मैं कहीं नहीं जा रही। मैंने अभी अपना नामांकन दाखिल किया है इसलिए मेरे संन्यास के बारे में न सोचे। राजस्थान चुनाव को लेकर सियासी घमासान के बीच वसुंधरा राजे को लेकर लगातार चर्चा का दौर जारी रहा। उन्होंने खुद अपने संन्यास का जिक्र किया तो अटकलें शुरू हो गई। हालांकि अब स्थिति बदल चुकी है। दिग्गज बीजेपी नेता ने झालरापाटन सीट से नामांकन के साथ ये भी साफ कर दिया कि वो कहीं नहीं जा रही। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।